धन्यवाद धन्यवाद सभापति महोदय। ये जो ओटीटी सर्विसेज है हमारे देश में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट करती है और काफी अच्छा मेते बीच बीच में अपने गाइडलाइंस और नोटिफिकेशंस निकालती रहती है ओटीटी सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए। अब ये जो ड्राफ्ट बिल आया है टेलीकॉम का, जो पब्लिक डोमेन में है और सरकार कंसल्टेशन मांग रही है, ट्राई का जो ये पेपर है जो भी पब्लिक डोमेन में है उसमें कंसल्टेशन मांग रही है, इसमें देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस अपनी पावर्स एक्सपैंड कर रही है उन ओटीटी एंटिटीज को रेगुलेट करने में जो पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेट कर रही है। तो मेरा जो साफ साफ सवाल यह है कि आदरणीय मंत्री महोदय ने प्रिंसिपल की तो बात की कि नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पर वर्तमान सरकार विश्वास करती है, लेकिन ये जो ड्राफ्ट बिल और पेपर में नेटवर्क यूसेज फीस जो लाया गया है, नेटवर्क यूसेज फी अगर रहेगा तो नेट न्यूट्रलिटी कैसे रहेगी, इसका विवरण हम बार बार इस मंत्री से चाहते हैं, क्योंकि ये सवाल सांसद महोदय ने किया, रितेश पांडे जी ने, लेकिन उसका उत्तर नहीं आया। हम उत्तर मांगते हैं। और अंत में सर एक संकेत मंत्री ने किया, एक संकेत मुझे भी करने दीजिए। टेलीकॉम सेक्टर जो है वहां पे बस दो मेजर कंपनी उस टेलीकॉम सेक्टर को आज भारत में रूल कर रही है, और उसमें से एक कंपनी तो अपने इश्तिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत चेहरा इस्तेमाल करती है। तो संकेत मैं भी देना चाहता हूं कि ये जो बिल आ रहा है ओटीटी में, बहुत से इंडियन ओटीटी, भारत की ओटीटी है, तो नेट न्यूट्रलिटी